हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आपको पॉलिटी के लगभग 1500 प्लस जो क्वेश्चन का सीरीज था उनको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। जो कि आपको जो 1500 से प्लस आपको जो क्वेश्चन है, लगभग 2000 के आसपास भी जा सकते हैं। ये 1500 से 2000 पॉलिटी के, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के इतने ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आपको सवाल हैं, जो कि आपके हर एक जो प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे आपको बीपीएससी हो, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, आईसीएआर, आईएआरआई, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण जो है ना आपको ये सवाल है। तो उसको देखिएगा, आप लोग याद करिएगा, ताकि जो है ना प्रतियोगी परीक्षा निकालने में आपको इस सारी जो है ना वीडियो आपको मदद कर सके। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोगों ने पहले देखा था आपको पॉलिटी के लगभग, हम लोगों ने 400 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने देख लिया था। तो हम लोग देखते हैं स्लाइड नंबर जो है ना 35 तक हम लोग आ चुके थे। तो 35 से आप लोग स्टार्ट करते हैं, नए क्वेश्चंस को की ओर जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि सबसे पहले, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अन्य विद्यार्थी, अन्य अभ्यर्थी जो इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी कर रहे हैं उनको आप सेंड करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। देखते हैं, प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है उसके अधीन किसके अधीन होता है? जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है वो किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री की सचिवालय की अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है वो किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। खैर, लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया था। खैर, मैं 2 मिनट में इसको रिपीट करा दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो 395 जो है ना आपको अनुच्छेद थे। ठीक है, आपको 8 अनुसूचियां थी, 395 आपको अनुच्छेद थे, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, आर्टिकल इसको बोलते हैं, और आपको 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, और भाग की संख्या कितनी थी आपको? 22 थी, जो कि आपको 22 भाग अभी भी है। अनुसूचियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 12 हो गई है। बस, कितने भाग में हमारा संविधान विभाजित है? तो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट हमने बात किया, 22 भाग में हमारा संविधान विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत के संविधान में संशोधन का अधिकार हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसे दिया गया है, भारतीय संसद को दिया गया है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार को जो है आपको सीमित नहीं किया जा सकता है, जब आपातकाल हो तभी, इमरजेंसी के दौरान भी आपको जो अनुच्छेद 20 और जो 21 है उसे आपको सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाना या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो जो 14 वर्ष से जिनकी आयु कम है उसे आपको कारखाना या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें आपको जो कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे हम लोगों ने कहां से लिया था? आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया था। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? मैंने पहले भी बताया है कि भारत का जो स्वरूप है वो आपको संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में, भारत जो है ना संघीय राज्य है, मतलब संविधान के अनुसार भारत का रूप है एक संघीय राज्य है, मतलब इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे ही आप पढ़िएगा पॉलिटी, तो उसमें भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है आपको? संघ है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ना आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये कथन किसका है? आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। मतलब कोई भी सरकार नीति निर्देशक तत्वों का जो है उपेक्षा नहीं कर सकती है। नीति निर्देशक तत्वों की अगर उपेक्षा करेगी तो उसे आपको उस सरकार को मतदाताओं के समक्ष जो है ना उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आपको कब किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपको जो मताधिकार का आयु है वो आपको 21 साल से घटा के आपको कितना किया गया था? 18 वर्ष किया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 1989 में जो है ना आपको 61वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा आपको वोट देने की एज को 21 साल से घटा के कितना कर दिया जाता है आपको? 18 वर्ष। तो कौन सा संशोधन द्वारा? तो आपको 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1989 में हुआ था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद पे जो है ना महाभियोग का आरोप जो राष्ट्रपति पे होता है उस राष्ट्रपति पे आपको इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो आपको किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आपको राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और आपको लोकसभा में भी लाया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो राष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है, वो आपको राज्यसभा के साथ साथ आपको लोकसभा कहीं पे भी लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? जब आपको संसद के जनरली सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो आपको राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत आपको वो क्या कर सकता है? अध्यादेश ला सकता है और ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपको अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो मैं बता रहा हूं इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो राष्ट्रपति है किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो वो किससे प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, 1919 में आया था। तो आपको सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? आपको भारतीय शासन अधिनियम 1919। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। मैंने बताया था कि जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें आपको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाता है? आपको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जो 9 दिसंबर आपको 1946 को हुई थी पहली बैठक। जो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो है ना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष जो है ना चुन दिया जाता है, परमानेंट जो है ना उनको नियुक्त कर दिया जाता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपको यह प्रस्ताव 1936 में जो है ना आपको प्रस्ताव को जो है ना पारित कर दिया था कि भारत की जनता जो है स्वयं आपको बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। 1936 में यह प्रस्ताव पारित हो गई थी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका उत्तर कितना है? 6 है। वर्तमान में आपको जो है ना भारत में भारतीय लोगों के लिए भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार देता है। पहले कितने थे? आपको 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7 मौलिक अधिकार को जो है पहले थे उसमें से 6 अब हैं। एक मौलिक अधिकार जो है ना संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है ना मौलिक अधिकार की जो है ना श्रेणी से हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसको विधिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, लीगल राइट में उसको डाल दिया जाता है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, मौलिक अधिकार की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकार की सुरक्षा हेतु न्यायालय जो है आपको पांच तरीके का लेख, पांच तरीके का रिट जारी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 में है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष आपको जो है प्रमाणित करता है कि ये विधेयक जो है ना धन विधेयक है, इसके बारे में लोकसभा स्पीकर जो है प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया था। राजस्थान के नागौर जिले से आपको पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया जाता है, उसको पंचायती राज व्यवस्था को लागू जो है ना आपको 1959 में आपको 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सबसे पहली बात, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। तो अभी हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, योजना आयोग का अध्यक्ष हमारा पीएम आपको नरेंद्र मोदी है। कौन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होता है। लेकिन योजना आयोग का अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है, योजना आयोग की उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष आपको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोध अधिनियम पास हुआ था, तो राजीव गांधी के टाइम में आपको दल बदल विरोध अधिनियम पास हुआ था। अरे दल बदल विरोध अधिनियम पारित कब हुआ था, 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना इसको अमेंडमेंट किया गया था। 52nd जो आपको 52वां संविधान संशोधन के जरिए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए दल बदल विरोध अधिनियम को पास किया गया था। ये कब आपको हुआ था संशोधन, 1985 में हुआ था। ये दल बदल विरोध अधिनियम आपको 10वीं अनुसूची में है, किसमें है आपको 10वीं अनुसूची में है। तो ये क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो 1985 में आपको जो है कौन प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर राजीव गांधी थे। आपको 1985 में आपको प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। 1984 में आपको जो है डेथ हो जाता है, किसका, इंदिरा गांधी का, हत्या के बाद 1984 में हो जाता है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौन चुने जाते हैं, राजीव गांधी। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है, आपको न्यायपालिका से पृथक्करण की बात जो है ना कार्यपालिका की अनुच्छेद 50 में कही गई है। न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कार्यपालिका से अनुच्छेद 50 में कही गई है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बेबी। कौन थी, फातिमा बेबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, आपको सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला जज कौन थी, फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फातिमा बेबी। फातिमा बेबी जो है ना आपको सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। भारत में वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, तो देखिए आपके उत्तर में भी जो है ना 444 प्लस मतलब 395 जो है ना मूल संविधान में थे, 444 प्लस हो चुके हैं, 445 भी जो है ना आपको अनुच्छेद लगभग हो चुका है। तो आप ऑप्शन के अनुसार लगाइएगा, अगर 395 ऑप्शन में रहेगा तो 395 लगा दीजिएगा, लेकिन 444 के आसपास जो है ना आपको अनुच्छेद ऑप्शन में रहेगा तो आप इसके ऊपर जाइएगा। ठीक है, तो 444 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। पहले अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, अब 12 हो गई है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए, तो जब संविधान का जो प्रीएम्बल है जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं आपको प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, आपको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, तो ये उद्देशिका की अगर मैं बात करूं तो इस उद्देशिका में आपको 3 शब्द जोड़े गए थे,
बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? बयालीसवां। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? तो आपको राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में। अगर जो है ना, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? तो राष्ट्रपति में। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में आपको राष्ट्रपति। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपको 389 सदस्य होने थे कुल। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पे आपको संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना कब जो है ना आपको बनाई गई थी? तो ये आपको 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया जाता है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को आपको ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को जो है ना 18 जुलाई 1947 को आपको ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिलती है। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? उस समय 1947 के समय जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी। उस समय जो है ना आपको ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। लेबर यहाँ पे जो है ब्रिटेन में आपको बाई पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय व्यवस्था है। कौन सी सिस्टम है? बाई पार्टी सिस्टम। हमारे यहाँ पे क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या है हमारे यहाँ पे? मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे दल जो है ना चुनाव लड़ती है। आपको ब्रिटेन में बाई पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय व्यवस्था है, एक लेबर पार्टी है वहां पे और एक आपको कंजर्वेटिव पार्टी है। एक लेबर और दूसरा कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी। हिंदी में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी। आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, जो उद्देशिका है, उसमें हमारे देश का नाम भारत और इंडिया उल्लिखित है। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो आपको भारतीय संसद की कार्यवाही में सदस्य न होते हुए भी आपको कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। वो आपको सदस्य नहीं होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, उसके बावजूद भारतीय संसद की कार्यवाही में वो बिना सदस्यता के भाग लेता है, भाग ले सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी मैंने बताया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और उसके साथ साथ एक और वर्ड को जोड़ा गया था, अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, आपको इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को, अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। संघात्मक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए, मतलब अगर हमारे देश में आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कुछ संवैधानिक झगड़ा होता है, कुछ भी विवाद होता है, तो इस विवाद का जो है ना निपटारा कौन करेगी? वो आपको सुप्रीम कोर्ट करेगी। संविधान में ये आपको अनुच्छेद 131 में प्रावधान है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, कि आपको जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच जो कुछ भी संवैधानिक विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है, आपको अगर पूछा जाएगा कि ये किस अनुच्छेद के तहत जो है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक झगड़ों का जो है ना निर्णय करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो अनुच्छेद 131 के तहत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत का चुनाव कराने का अधिकार कौन, किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। पंचायत का चुनाव कराने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति
जनजाति के लोग तथा लोकसभा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का लोकसभा और आपको विधानसभा में आरक्षण से, जो 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 79वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो एससी और एसटी को आपको लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण होता है, जो सीटों का रिजर्वेशन होता है, उन सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित है। 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड विधानसभा शेड्यूल्ड कास्ट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, मतलब 79वां जो संविधान संशोधन है वो आपको अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करूं तो मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहते थे, मुसलमानों के लिए वो क्या चाहते थे, अलग संविधान चाहते थे, इसलिए संविधान सभा ने मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया था। मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहती थी मुस्लिम लीग, इसलिए उसने आपको संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। आपको संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया गया था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उसमें आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किससे संबंधित है? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको संबंधित है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाके क्या बन जाता है आपको, उद्देशिका बन जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बन जाता है, हमारे संविधान का प्रस्तावना बन जाता है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र किस रूप में स्वीकार किया गया? तो हमारे देश में कैसा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में हमारा संविधान में प्रस्तावना में लोकतंत्र को कैसा वर्णित किया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका निर्वाचन किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। किसने किया था, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन के आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनको संविधान सभा के द्वारा आपको चुना गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है, तो आपको प्रस्तावना में। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है, प्रस्तावना में। ठीक है, मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो विचार थे उसको संविधान के न भाग एक भाग दो में नहीं उसको जो है स्थान दिया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। उसके जो विचार थे उद्देश्य प्रस्ताव का वो सारी विचार को जो है प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो मतलब मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो समिति थी वो स्वर्ण सिंह समिति थी, मतलब कह सकते हैं कि स्वर्ण सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे मौलिक जो कर्तव्य है उससे संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को भी क्षमा करने का अधिकार देता है, मतलब क्षमादान की शक्ति जिसको पार्डनिंग पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षमादान की शक्ति किसके पास है आपको, राष्ट्रपति के पास है, वो अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 72 के आपको एक के ग में। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है, सदन के अध्यक्ष का, सदन के सभापति का। मतलब अगर दल बदल से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, सदन के अध्यक्ष। अगर लोकसभा में जो है ना दल बदल से संबंधित कोई विवाद है तो उसका जो है ना निर्णय कौन लेगा, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेगा। अगर राज्यसभा में कोई जो है ना आपको विवाद होता है दल बदल से संबंधित तो उसका निर्णय अंतिम निर्णय किसके पास होगा आपको, राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो ये है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची को हम लोगों ने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है, अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र के प्रशासन, उस क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में है, 5th शेड्यूल में है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है।
भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। मतलब भारत सरकार में जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज होते हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच कार्यों का बंटवारा कौन करता है, आपको मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया था, तो भारत का आपको प्रांत जम्मू कश्मीर अब नहीं है, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले जम्मू कश्मीर भारत का प्रांत था, अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है, आपको भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो है भारत का प्रांत बनाया गया था 1956 में, जो है ना संविधान में संशोधन करके भारत सरकार जो ने क्या किया था 1956 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करके जम्मू कश्मीर को जो है ना भारतीय राज्य का दर्जा दिया था, भारत का प्रांत बनाया था, वो सातवां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन के द्वारा? सातवां संविधान संशोधन के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि जो है वो आपको किस न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन आदि के बराबर है, तो सिंपल सी बात है, जो कंट्रोलर एयर ऑडिटर जनरल होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसका वेतन आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के वेतन के आपको समकक्ष होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है, जो आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के आपको न्यायाधीश के बराबर होता है। देश में केवल दो संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर है दिल्ली और पांडिचेरी। मतलब देश में केवल दो संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, केवल दो राज्य क्षेत्र में, ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन सा है? एक उसका उत्तर हो जाएगा आपको दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है। दो संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, एक दिल्ली में है और एक पांडिचेरी में है। दिल्ली में आपको जो है ना विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। पांडिचेरी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा थे, उसमें जो है ना दो महिलाओं को नामजद किया जाता था, अब तो जम्मू कश्मीर जो है आपको यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है ना आपको बलात् और बेगार श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? मतलब किसी को भी जो है ना आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, किसी व्यक्ति से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? मतलब किसी व्यक्ति का आप शोषण नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद 23 के द्वारा हमारे संविधान में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र का मतलब ही होता है कि आपको जहां पे रूलर्स जो होते हैं वो आपको जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसका मतलब ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, मतलब वंशानुगत शासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था है क्या? नहीं। मतलब कह सकते हैं कि गणतंत्र का मतलब जो है ये होता है कि रूलर्स यहाँ पे जो राजा होता है, जो यहाँ का मतलब राजा का मतलब पीएम, चाहे आपको लोकसभा के मेंबर, चाहे विधानसभा का मेंबर, या कोई भी जो आपको चुनाव के जरिए, मतलब जो रूलर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपको गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे जो राज्याध्यक्ष होंगे, जो आपको राष्ट्राध्यक्ष होंगे, वो वंशानुगत नहीं है, आपको यहाँ पे जनता के द्वारा चुन के आते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जहां का राज्याध्यक्ष वंशानुगत न हो। प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो आपको जजेज होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज पे आपको इम्पीचमेंट का प्रोसेस अनुच्छेद 124 के तहत लाया जा सकता है। किसके तहत लाया जाता है? आपको जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनपे आपको महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 124 में वर्णित है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो भारत में जो है ना कैसा डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र है, तो ये संसदीय प्रजातंत्र आपको भारत के
में किससे प्रभावित है, तो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित है। भारत में कैसा डेमोक्रेसी है, संसदीय प्रजातंत्र, ब्रिटेन से प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना जो है ना 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा की जाती है। 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा आपको भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का अलग संविधान है। खैर अब तो नहीं है, पहले जो है ना जम्मू कश्मीर भारत का जो है ना एक राज्य था, अब जो है ना राज्य नहीं, आपको केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका अलग संविधान था। यह संविधान कब तैयार किया गया था, कब लागू किया गया था, आपको 26 जनवरी 1957 को आपको जम्मू कश्मीर के संविधान को अपनाया गया था। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1957 को। लेकिन अब जो है आपको जम्मू कश्मीर राज्य न होकर के यूनियन टेरिटरी है। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है कि भारतीय संविधान आपको एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। मैंने दो तीन चार दिन पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान जो है ना कहने को संघात्मक है लेकिन देखने में आपको क्या लगता है, एकात्मक है, और रियल मायनों में एकात्मक का ही रोल ज्यादा है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है उसकी सबसे अच्छा जो प्रकृति यह है कि ये एकात्मक लक्षण से युक्त है और ये संघात्मक है। ठीक है, एकात्मक लक्षण से युक्त संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 1953 में जो आपको राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया था, तो आपको 7वां संविधान संशोधन के जरिए 1956 में हमारे संविधान में जो है ना संशोधन किया जाता है और भारत में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, 1956 में आपको संविधान संशोधन के जरिए जम्मू कश्मीर को भारतीय राज्य का जो है ना भारत का प्रांत बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, वो भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ था, इसका स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ था। बीजेपी की अगर जो है स्थापना की मैं बात करूं तो 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ था, किसके रूप में हुआ था, भारतीय जनसंघ के रूप में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियां की आलोचना करने के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, निंदा प्रस्ताव। अगर कोई भी सदस्य राज्यसभा या विधानसभा मतलब लोकसभा कहीं पे भी अगर जो है ना कोई सदस्य सरकार की नीति या कार्यवाही की आलोचना करने के उद्देश्य से लाती है, कोई भी सदस्य जो है ऐसा प्रस्ताव लाती है जो सरकार की नीति का सरकार की कार्यवाहियों की आलोचना करने वाली होती है, उस प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच न्यायिक उपचार द्वारा करता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। अगर कोई भी जो है व्यक्ति आपको कोई पद पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी वो उस पद के काबिल है या नहीं है, मतलब उस पद के योग्य है या नहीं है, उस पद पे उसको जो है ना उसकी वैधता को जांच करने के लिए आप मतलब ये काम जो कर रहे हैं वो किस अधिकार से कर रहे हैं, इस न्यायिक उपचार को क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान मतलब भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता, ये कहां से लिया है हम लोगों ने, ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है हम लोगों ने, ब्रिटेन से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वीजी खरे थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वीजी खरे थे। बस आज इतना ही, नेक्स्ट जो है हम लोग अभी तक लगभग
500 क्वेश्चन के आसपास, 500 से ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ये 1500 प्लस क्वेश्चन की जो है ना पॉलिटी की सीरीज है, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग 7 से 8 दिनों के भीतर कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हमारा पूरा पॉलिटी वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इससे आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे अन्य अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो कि AICAR, IARI, BPSC, MP पुलिस, बिहार पुलिस, MPSI, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सभी महत्वपूर्ण सवालों को उन अभ्यर्थियों को सेंड कीजिए जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।